समलैंगिकता को अपराध के तहत लाने वाली भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं कि धारा 377 को लेकर जो कानून है वह सही है या नहीं। साथ ही अदालत ने कहा कि ये लोगों का निजी अधिकार हो सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट के पिछले फैसले से समाज में एक तबके के लोगों का हनन हुआ है। मुकुल ने कहा कि समलैंगिकता का किसी धर्म से कोई मतलब नहीं होता। साथ ही उन्होंने पुरातन भारत में भी समलैंगिकता के उदाहरण दिए। तो चलिए अब आसान तौर पर आपको बताते हैं कि आखिर समलैंगिकता होती क्या है। समलैंगिकता का मतलब है किसी व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और रोमांस पूर्वक रूप से आकर्षित होना। अगर एक पुरुष अन्य पुरुष के प्रति आकर्षित होता है तो उसे समलिंगी, और अगर एक महिला किसी अन्य महिला के प्रति आकर्षित होती है तो उसे महिला समलिंगी कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। कुल मिलाकर समलैंगिक, उभयलैंगिक और लिंग परिवर्तित लोगों को मिलाकर एक समुदाय बनता है जिसे LGBT कहा जाता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में अपने फैसले में कहा था कि आपसी सहमति से समलैंगिकों के बीच बने यौन संबंध अपराध की श्रेणी में नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को दरकिनार करते हुए समलैंगिक यौन संबंधों को आईपीसी की धारा 377 के तहत अवैध घोषित कर दिया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर क्या फैसला लेती है।